हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे फल का विकास जिस प्रकार से होता है, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट। फल के विकास के बारे में पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था बीज का विकास किस प्रकार से होगा, तो उसमें हम देखा था कि भ्रूण और भ्रूणकोश बनने के बाद में अंडाशय एवं बीजांड के अंदर परिवर्तन होंगे, और अंडाशय और बीजांड में परिवर्तन होने से क्रमशः अंडाशय से फल एवं बीजांड से बीज बनता है। अब हम ध्यान देंगे कि फल का विकास किस प्रकार से होता है उस बारे में, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आवर्तबीजी पादपों में जो फल का विकास होगा, यानी जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में मुख्य रूप से डिफरेंस यही होता है कि एंजियोस्पर्म के पादपों के अंदर आपको ध्यान रखना है कि फल का विकास होता है, जिसके कारण से बीज होते हैं वे फल के अंदर परिबद्ध रहते हैं, जबकि जिम्नोस्पर्म के अंदर बीज का निर्माण होगा जो कि फल के अंदर परिबद्ध नहीं रहता है, इस कारण से उन्हें नग्नबीजी कहते हैं। तो आवर्तबीजी पादपों में फल का निर्माण होता है वो आपको ध्यान रखना है किससे होता है, तो आप ध्यान देंगे आवर्तबीजी पादपों में फल का निर्माण होता है वह फल का निर्माण किससे होगा, तो आपको ध्यान रखना अंडाशय से होता है। इन अंडाशय होगा वो किस में परिवर्तित होगा, फल में परिवर्तित होता है, तो अंडाशय होगा उस अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होता है। और अंडाशय के बाहर का आवरण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अंडाशय भित्ति कहते हैं, और अंडाशय भित्ति होगी उस अंडाशय की भित्ति से किसका निर्माण होगा, फल भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो फल भित्ति है वो किससे बनेगी, तो आपको क्या ध्यान रखना, अंडाशय भित्ति से बनती है, जबकि आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना है जो फल होगा उसका निर्माण किससे होगा, अंडाशय से होता है। तो फल का निर्माण किससे होता है, अंडाशय का, अंडाशय भित्ति होगी वो किसका निर्माण करेगी, फल भित्ति का निर्माण करती है, तथा वर्तिकाग्र एवं वर्तिका होगी वह नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना फल का निर्माण होता है, और जब फल का विकास अंडाशय से होता है, जब फल का विकास या परिवर्धन, विकास कहें या परिवर्धन कहें, वो किससे होता है, अंडाशय से होता है, यानी जब फल बनेगा वो किससे बनेगा, अंडाशय से होता है, तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, सत्य फल कहते हैं, वास्तविक फल कहा जाता है, इसे हम सत्य फल, ट्रू फ्रूट, या इसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक फल कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान देंगे, जब फल का निर्माण होता है वह किससे होता है, अंडाशय से होता है, यानी अंडाशय होगा वो परिवर्तित होकर के और फल का निर्माण करेगा, तो इस प्रकार की फल को हम क्या कहेंगे, वास्तविक फल कहेंगे, सत्य फल कहेंगे, ट्रू फल कहेंगे, ये हमें ध्यान रखना है। जैसे उदाहरण ध्यान रख सकते हैं आम, बेर, इस प्रकार के पादप हैं, इनमें कैसा फल दिखाई देगा, वास्तविक फल दिखाई देता है। अब ध्यान दें, आपको ध्यान अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, या आपको ध्यान रखना है पुष्पासन या पुष्पावली व्रंत होते हैं, वह फल निर्माण में भाग लेते हैं, तो उन्हें आभासी फल कहते हैं। तो ध्यान देंगे, जब फल के परिवर्धन में अंडाशय के अतिरिक्त फल के परिवर्धन में अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे बाह्य दल पुंज, या आपको ध्यान रखना दल पुंज, या आपको इसमें ध्यान रखना है पुष्पासन या पुष्पावली व्रंत इत्यादि भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के फलों को हम आभासी फल कहते हैं। तो इस प्रकार के फलों को हम क्या कहेंगे आभासी फल कहा जाता है। तो फल निर्माण में जब आप ध्यान देंगे स्यूडो फ्रूट किसे कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि फल निर्माण में अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन इत्यादि भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के फलों को आभासी फल या स्यूडो फ्रूट कहा जाता है। आभासी फल या स्यूडो फ्रूट होता है वो किन किन पादपों में देखा जाता है, तो आप ध्यान देंगे सेव में देखा जाता है, या आप ध्यान देंगे नाशपाती में इस प्रकार का देखा जाता है। सेव और नाशपाती में आप ध्यान देंगे तो आपको ध्यान रखना पुष्पासन होता है, ये खाने योग्य भाग होता है, यानी पुष्पासन होगा वह किसका निर्माण करेगा, फल का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से सेव और नाशपाती में आप देखेंगे तो पुष्पासन होगा वह किसका निर्माण करेगा, फल का निर्माण करता है। इसी प्रकार से आप ध्यान देंगे अनानास में आप देखेंगे तो पुष्पावली व्रंत होता है, वो पुष्पावली व्रंत क्या करेगा, तो आपको ध्यान रखना पुष्पावली व्रंत होगा उससे फल का निर्माण होता है। तो
तो पुष्पावली वर्ण से निर्माण होगा। तो इस प्रकार के फलों को हम क्या कहेंगे, आभासी फल कहा जाता है। जब फल परिवर्तन में अंडा से अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन इत्यादि भाग लेते हैं तो इस प्रकार के फलों को हम क्या कहेंगे, आभासी फल कहा जाता है। तो ये तो होगी किसके बारे में, आभासी फल के बारे में। उसके बाद में ध्यान दें, कई बार क्या होता है अंडाशय होगा वो बिना निषेचन के फल का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, अनिषेक फल। ये प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। तो आप ध्यान देंगे, कई बार बिना निषेचन के जब अंडाशय के बिना निषेचन के ही अंडाशय के बिना निषेचन के ही अंडाशय के बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, फल का निर्माण हो जाता है, तो ऐसे फल, तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे, अनिषेक फल कहलाते हैं। ऐसे फल क्या कहलाएंगे, अनिषेक फल कहलाते हैं, अनिषेक फल कहलाते हैं। तो ऐसे फल क्या कहलाएंगे, अनिषेक फल। यानी जब का फल का निर्माण अंडाशय के बिना निषेचन के हो जाता है तो ऐसे फल अनिषेक फल कहलाते हैं, तथा यह प्रक्रिया, तथा यह प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है, तथा यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनिषेक फलन कहलाती है। तो इस प्रकार से अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी किसे कहा जाता है, तो आप ध्यान देंगे पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन किसे कहेंगे, तो जब आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार का फल जो जिसमें अंडाशय होगा उसे फल बनेगा, पर अंडाशय में निषेचन नहीं हुआ, बिना निषेचन के अंडाशय से फल बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखना, अनिषेक फलन किसे कहा जाता है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। तो आप क्या ध्यान देंगे कि जब फल का निर्माण अंडाशय के बिना निषेचन के ही अंडाशय से हो जाता है तो उसे हम अनिषेक फलन कहते हैं, और इस प्रकार के फल क्या कहलाएंगे, अनिषेक फल कहलाते हैं। फिर उसके बाद में ध्यान दें, अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है उसको कुछ हार्मोनों के द्वारा भी प्रेरित किया जा सकता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे, कुछ हार्मोन, कुछ हार्मोन जैसे आप ध्यान देंगे एंडोलेसिटिक एसिड, ये एंडोलेसिटिक एसिड है वो क्या है, ऑक्सिन है, ऑक्सिन। और आप ध्यान देंगे नेफ्थलीन एसिडिक एसिड, जैसे ये नेफ्थलीन एसिड है या जिब्रेलिक एसिड है, इत्यादि हार्मोनों, इत्यादि से अनिषेक फलन की प्रक्रिया को, अनिषेक फलन की प्रक्रिया को, फलन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है, प्रक्रिया को प्रेरित किया जा सकता है, प्रक्रिया को प्रेरित किया जा सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है, जिसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन जैसे एंडोलेसिटिक एसिड या ऑक्सिन हो गया, या नेफ्थलीन एसिड हो गया, या जिब्रेलिन एसिड हो गया, इत्यादि से अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित करने की प्रक्रिया होती है, उसे हम प्रेरित अनिषेक फलन कहते हैं। तो ये भी परिभाषा आपको ध्यान रखनी है, प्रेरित अनिषेक फलन किसे कहा जाता है। तो प्रेरण के द्वारा अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित करना क्या कहलाता है, यानी बाहर का कोई भी माध्यम जैसे ऑक्सिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, या जिब्रेलिन एसिड हो गया, या नेफ्थलीन एसिटिक एसिड हो गया, इत्यादि से अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है, उसे प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, तो अनिषेक फलन की प्रक्रिया होती है वो केला में देखी जाती है, तो ये हमें ध्यान रखना है, अंगूर में देखी जाती है, तो केला हो गया, अंगूर हो गया, या आजकल नींबू वगैरह अन्य पादप होते हैं उनमें भी प्रेरित अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये सारा आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, फल के निर्माण के बारे में, एवं उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं उस बारे में आपको ध्यान रखना है। ध्यान दें, सबसे पहले हमने देखा है फल का विकास किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि फल का निर्माण होगा वह अंडाशय से होता है, यानी अंडाशय भित्ति होती है उसे फल भित्ति का निर्माण होता है। कुछ बातों में जो फल बनेंगे उन फलों में तीन फल भित्ति होती है, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, अंत फल भित्ति, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर जब फल का विकास होगा या परिवर्तन होता है अंडाशय होता है तो उन्हें सत्य फल या वास्तविक फल कहते हैं, जैसे आम है, बेर इत्यादि, इसमें ऐसा देखा जाता है।
और जब फल के परिवर्धन में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन इत्यादि भाग लेते हैं तो इस प्रकार के फलों को हम क्या कहेंगे? आभासी फल कहते हैं। जैसे सेब और नाशपाती में पुष्पासन होता है, उससे फल का निर्माण होगा। अनानास में होता है पुष्पावली ग्रंथ से फल का निर्माण होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि जब अंडाशय बिना निषेचन के ही फल का निर्माण कर लेता है तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं, और यह प्रक्रिया अनिषेक फलन कहलाती है। तो इस प्रकार से अनिषेक फलन होता है वह केला, अंगूर इत्यादि में देखा जाता है। और कुछ हार्मोन जैसे ऑक्सीन है, साइटोऑक्सीन है, नेफ्थलीन एसिड है, जिब्रेलिन अम्ल है इत्यादि से अनिषेक फलन की प्रक्रिया को प्रेरित किया जाता है, तो उसे प्रेरित अनिषेक फलन कहा जाता है। अगला हम देखते हैं पीडी एकांतरण के बारे में। देखो इससे आप ये लास्ट इसका टॉपिक है इस पार्ट का, और इसमें आप ध्यान देंगे तो पीढ़ी एकांतरण किसे कहा जाता है, किस प्रकार से होता है, यानी अल्टरेशन जनरेशन किसे कहा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो आप देखेंगे कि आवर्त विधि पादपों में द्विगुणित बीजाणुद्भिद, द्विगुणित पीढ़ियों से हम क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद पीढ़ी कहेंगे, एवं अगुणित और अगुणित पीढ़ी को हम क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद कहते हैं। अगुणित को हम क्या कहते हैं? युग्मकोद्भिद। अगुणित को हम क्या कहेंगे? युग्मकोद्भिद। पीढ़ी एकांतर क्रम में आती हैं, पीढ़ी एकांतर क्रम में आती है या उपस्थित होती हैं, एकांतर क्रम में आती हैं, जिसे पीढ़ी एकांतरणी परिभाषा पूछी जा सकती है। पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं? तो जिसे हम क्या कहेंगे? पीढ़ी एकांतरण कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो ध्यान दें, आवर्त विधि पादपों के अंदर द्विगुणित बीजाणुद्भिद पीढ़ी एवं अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी एकांतर क्रम में आती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि पीढ़ी एकांतरण व आवर्त विधि पादपों में देखा जाता है। आवर्त विधि पादपों के अंदर पादप है वो कैसा होगा? द्विगुणित पादप होता है मुख्य पादप, और द्विगुणित पादप पर पुष्प होंगे, द्विलिंगी पुष्प होता है, उससे आप ध्यान देंगे पुमंग एवं जयांग का निर्माण होगा। पुमंग होगा उसकी इकाई होती है उसे हम पुंकेसर कहेंगे, जयांग की इकाई उसी होती है मंडप कहते हैं, और पुमंग के जो पुंकेसर होते हैं पुंकेसरों के शीर्ष भाग पर परागकोष उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से अंडप के अंदर बीजाणुओं का परिवर्तन होता है। बीजाणुओं के अंदर उपस्थित गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिससे चार गुरु बीजाणु बनेंगे। इसी प्रकार से परागकोष के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका उपस्थित उसमें अर्धसूत्री विभाजन होने से चार आप ध्यान देंगे तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और लघु बीजाणु होंगे, उन लघु बीजाणु आपस में पृथक होकर किसका निर्माण करेंगे? परागकण का निर्माण करेंगे। परागकण ही होता है वो आगे जाकर के अंकुरित होकर किसका निर्माण करेगा? नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करेगा। यहाँ आप ध्यान देंगे चार गुरु बीजाणु बनते हैं, उसमें से तीन गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु होता है वो किस रूप में रहता है? क्रियाशील गुरु बीजाणु के रूप में रहेगा, और ये गुरु बीजाणु होगा वह तीन बार समसूत्री विभाजन करके मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण करेगा। और भ्रूणकोश होता है उसमें एक अंड कोशिका और दो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं, वे उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद में ध्यान दें, नर युग्मकोद्भिद होगा उससे दो नर युग्मकों का निर्माण होगा। ये इसमें नर युग्मक में से एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संयोजित होकर द्विगुणित युग्मनज का निर्माण। यहाँ से यहाँ तक की पीढ़ी थी वो कैसी थी? अगुणित पीढ़ी थी। किस प्रकार की पीढ़ी थी? अगुणित पीढ़ी। और इससे ऊपर की पीढ़ी द्विगुणित थी, और यहाँ से वापस कैसी पीढ़ी प्रारंभ हो गई? द्विगुणित पीढ़ी। युग्मनज बना, द्विगुणित बन गया। फिर उसके बाद भ्रूण, भ्रूण से बीज और बीज से अंकुर के फलस्वरूप नए पादप का निर्माण हो जाता है। तथा दो ध्रुवीय केंद्र थे आपस में संलयन करके द्वितीय केंद्र का निर्माण करेंगे, और ये द्वितीय केंद्र के एक नर युग्मक के साथ में संयोजित होकर के भ्रूण पोष का निर्माण करते हैं, जो परिवर्तित होते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि द्विबीजपत्री पादपों के अंदर या एक बीजपत्री पादपों के अंदर यानी आवर्त बीजी पादपों में जो पीढ़ी एकांतरण देखा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इस फ्लो चार्ट से आप समझ सकते हैं, और ये पूरे इसी जो लैंगिक जनन की प्रक्रिया उस पूरी प्रक्रिया में हमने ये सारे पढ़े हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है, पीढ़ी एकांतरण किसे कहते हैं? परिभाषा ध्यान रखनी, दूसरा फ्लो चार्ट इसका नोट डाउन करेंगे। तो पीढ़ी एकांतरण किसे कहेंगे, किस प्रकार से होता है, तो एक बार वापस सुन लीजिए। आवर्त बीजी पादपों में द्विगुणित बीजाणुद्भिद अगुणित युग्मकोद्भिद पीढ़ी एकांतर क्रम में आती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पीढ़ी एकांतरण कहा जाता है। तो इस प्रकार से आवर्त बीजी पादपों में जो लैंगिक जनन है, उस लैंगिक जनन की कौन कौन सी आवश्यक घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं, किस प्रकार से लैंगिक जनन होता है, उस बारे में हमने पूरा डिटेल से पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में
एक और आपका चैप्टर है इस यूनिट में बच गया शेष, और उस चैप्टर में हम देखेंगे जनन की कुछ विशिष्ट विधियां हैं, जैसे असंजनन एपोमिक्सिस किसे कहा जाता है, या फिर आप ध्यान देंगे उसके बाद बहुभ्रूणता किसे कहा जाता है, तो उस बारे में पढ़ेंगे। तो वो यूनिट जो है ये लास्ट जो चैप्टर है उसके साथ में हमारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी।